ये कमरा में एगो कुंवारी कन्या रहेगी। वास्तु के हिसाब से कुंवारी कन्या के खातिर ई कमरा शुभ नहीं खेबा। डॉक्टर माइक के देख के का कहलेस? डॉक्टर कहले सा कि लेगामेंट टियर भइला और दो हफ्ता लागे ठीक होके में का हैली ही पंडित जी। दीदी अगर हमार हेल्प कराइन भी तब सारा काम तो ना करा पाइए ना। ऊपर से माई के देखभाल ओकर भी जिम्मेदारी बा। हम कब पढ़ाई करी और कब एग्जाम दी? देखा तहरा ये सब छोट मोट बात से डराए की कोनो जरूरत नहीं। अरे तू राय खानदान की बेटी बड़े तहरो कोनो औकात बा। तू अभी सब चिंता तू छोड़ दा, सब हम देख ले ठीक बा। अब हम फोन रखत बानी। पापा रोवा ये सब का कर रहल बानी? अरे एग्जाम कैसन भल तुहार? अच्छा रहे। बाकी रोवा ये सब सामान काहे पैक कर रहल बानी? तू का भल ना बेटा कि आज बड़की दीदिया गुरुजी के बोलेले रहली और गुरुजी फिर पता नहीं का कहला कहला कि एक कमरा तोहरे बदे ठीक नहीं की। उनकर मान रखे के खातिर हम समझ गए नहीं पापा। कोई बात नहीं के हमरा के बुआ के बात माने में कोनो दिक्कत नहीं के हम शिफ्ट हो जाए। थैंक यू बेटा। हम की तरह से यह उम्मीद रहा। पापा रोवा रहे दिना ये सब हम कर ले। अरे बेटा तुम्हारे एग्जाम बा तैयारी करे के बाना तू जा फ्रेश हो जा। फ्रेश हो जा हम तैयारी कर ले। अच्छा ठीक बा। बबुआ ये बबुआ अरे कहाँ बड़ा तू हो? अरे इतना बड़ा अनर्थ हो गई तहरा के जब देखा तब तू अपना काम में अझुलाइल रहा तारा। अरे तनी कभी घर हो द्वार के तो सुध ले हल करा। बड़की दीदिया का भाई रवा इतना गुस्सा का? अरे अब होखे के बचले का बा। राय खानदान के राजकुमारी रुजा अपना ससुरार में नौकरानी के तरह खट खट के मर रहल बिया और यही जा हमनी के दर्जन भर नौकर के बीच में सुख उठा रहल बानी जा। हे भगवान हे कृपा निधान अरे का जाने कैसन हमारे बेटी के किस्मत में लिख के भेज देले बानी। अरे ये गुरु का जाने कैसन महतारी कि अपन एक लौती बेटी के बारे में भी ना सोचलस ओकर मोह माया छोड़ के हमारा डर से भाग गई दिया और दूसरे तू बा जे अपना बेटी के कुआं में ढकेल के निश्चिंत से बैठल बा। इहो हो सुनई तहर बेटी कैसन बिया? बड़की दीदिया रुआ शांत हो। आई आई बैठ बैठी बैठी। अब बताई ऐसन का हो गल बड़की दीदिया रुआ इतना गुस्सा कर रहल बानी? इंदु बिटिया तो ठीक बाड़ी ना? अरे ठीक का खाक बाड़ी। देखर माई बाप अपना बेटी के चिंता फिक्र कई छोड़ दी तू भला कैसे ठीक रही? बताई ना का भाई इंदु बिटिया के कोनो प्रॉब्लम हो गल का? अरे का बताई बबुआ इंदु के सास नु गिर गई बाड़ी उनका गोड़ में चोट लग गई बा और वो बिछावना पकड़ ले ले। अरे कब भाई? अरे ई कैसे भाई? अरे काल ही रात के और वो हमार फूल जैसन बाछी अपन पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के घर सारा बोझा उठा ले और उनकरा सेवा में जुटल। अरे तू ही बताओ बबुआ अब इतना सब सुनला के बाद हमारा करेजा पर सांप लोटी की ना लोटी। अरे वहाँ हमार बेटी दुख उठा रहल
और एहिजा हमने के निफिकिर होके अपना अपना दुनिया में नौकर चाकर के सुख उठा रहा। अब तू ही बता। बड़की दीदी, हम एक काम करता नहीं, एगो नौकर के हमरे यहाँ से इंदु के यहाँ भेजवा देता नहीं, तब सब ठीक रही ना। हाँ, हमरो ये विचार रहा, और हमनी के करे के भी ऐसा ही चाहिए बबुआ। हम तो इंदु के अपना ओर से कह भी देनी कि एगो नौकर हम भेज रहल बानी, आ नहीं तो ईश्वरवा हमारा बेटी के मुंह पर ताला लगा के रख ले बा। बबुआ, अभी ये सही मौका बा वो ईश्वरवा के असली औकात दिखावे के। हाँ बड़की दीदिया, ये तो एकदम सही बात बा। ठीक बा दीदिया, रउआ आपन हिसाब से सब संभाल ली, जे उचित लगे वो कर ली। हम अभी इंदु के फोन करके आ बतानी, ठीक बानु? हाँ बबुआ जरूर। अरे हम तो यही खातिर आगे बनी है, आज इंदु के संभाल और कल तहार घर के, और परसों परसों तहार ई पूरा जायदाद। लमाई मैम, जुसली सर, राउर चाय लाइशर पिया बेटा। मैम, राउर कल सारा चीज बन के तैयार बा, चाइनीज कॉन्टिनेंटल। ओके, थैंक यू। वाह, चाय तो बहुत बढ़िया बनल बा। हाँ। अरे इंदु, ये तो बहुत अच्छा हो गई कि काम करे खातिर एक नौकर आ गई। हाँ ना माई? हाँ बिटिया, सच कितना आराम हो गई। I am so happy. Indu. इस अपन सपना देख रही? Indu, देखा बुआ जी आज बड़ी। लगा था नौकर आ गई। तहरा खातिन हम ही नौकर लेके आए बनी। आज से यही जी रही। बुआ जी, आई बैठी ना। अरे ना, तू तो जानते बड़ू कि अभी हमार पूजा के समय बा, यही से हम नहीं बैठ सकत। और देखा, तहरा खातिन हम ही नौकर लेके आई बनी, आज से यही जी रही। तू एकरा के सारा काम समझा दिया बनू। और सुना, सब घर के झंझट छोड़ के तू अपना पढ़ाई पर ध्यान दे। एक मिनट बुआ जी,
हमरा की नौकर ओकर न चाहिए। बाकी हमरा बेटी के तो चाहिए नू। अरे हम जानत हैं कि तुह लोग के घर के ई पतोह भी है, लेकिन एकरा इतना सब करे के आदत नहीं की। अरे नौकर चाकर के तीमारदारी के आदत बाइन करा। राज के लिए बड़ी राज और हम ई कबो ना चाहब हमर बेटी एह तरह से जिंदगी गुजारे। और अब हम देख रहल बानी हमार बेटी कैसे जीवन गुजार रहल बिया। अरे भले ही अपना मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन हम तो अपन खुलल आंख से एकरा के देख रहल बानी। और अब जबकि तहार माई बिछौना पकड़ लेले बड़ी और तहार बहिन जी कोनो कुछ करे के स्थिति में नहीं की, और ऐसे में कैसे हुई हमरा फूल ऐसन बेटी से घर के सारा काम। वैसे में जबकि एकर अभी परीक्षा चल रहल बा। दीदी रहुआ ऐसे काहे सोच रहल बानी, हम तो इंदु के काम ना करे देवे चाहतानी। बाकी ये सब हरा ना चाहला से समस्या के समाधान तो ना हो जाई। अरे एकरा अलावा कोनो दूसर उपाय बा का? और वैसे भी हमरा बेटी के ऐसन संस्कार नहीं खे कि जरूरत पड़ला पर पीछे हट जाए। लेकिन देखा था घर के सारा बोझ खुदे अपना माथा पर उठेले बड़े, लेकिन का मजा कि मुंह से एक शब्द भी बोलस। इंदु तारा के कोनो तकलीफ रहे तो तू हमरा के कहले रहतू, हम तार तकलीफ के दूर करती। बाकी तू तो जाने लू ना कि हम नौकर के अफोर्ड ना कर सकेली। अरे हमरा से तो ये बिचारी कुछ कहबो ना कैलसी, ये तो दिन भर यही घर के बारे में सोचत रहले। लाज लिहाज के मारे जौन कुछ कहे के भी रहला वही हमरा से ना कहले। खुदे बेचारी खट रहल बिया। अरे हम तो एकरा खातिर नौकर लेके आईनी ओहू पर ही मना करत रहल बिया कि ना बुआ जी रहे दी हम सब कर ले, लेकिन हम अपना बेटी के इतना मुश्किल में कैसे छोड़ सकतनी। अरे वाह बुआ जी, राउर परफॉर्मेंस तो इतना तगड़ा बा कि अब तई लोग के माने के ही पड़ी। बुआ जी हम राउर भावना के समझ रहल बानी, हमरा के बुझा रहल बा कि हमरा से थोड़ा लापरवाही भइल। एग्जाम के टाइम में इंदु पे इतना बोझ ना होके चाहत रहे, हमरा से थोड़ा अनदेखी हो गई। बाकी हमरा वह विश्वास दिला बता नहीं कि अब जो हो गए से हो गए, अब आगे ऐसे ना होगी। और राल सवाल ही नौकर के तरह वही नौकर के ले जाए। अब हमने के मिलजुल के घर के काम कर लिया, कोनो दिक्कत ना हो। पर ईश्वर हम दोनों जने ये पढ़ाई करे के बा फिर कैसे मैनेज होगी? हाँ ईश्वर इंदु सही कह रहल बाड़ी, अब बैड रेस्ट के कारण माई काम ना कर सकेली, और हमरा से भी घर का काम और माई के देखभाल दोनों एक साथ ना हो पाई। तू और इंदु अगर घर का काम में लग जाएगा तो पढ़ाई कब करबा? माई बेटा बुआ जी हमरा से बड़ बाड़ी और बड़ लोगन के कहल बात पे ज्यादा सोच विचार ना करे के चाहिए, मान लेवे के चाहिए। ठीक बा बुआ जी, बाकी हमारे को शर्त पा कि नौकर के जौन तनखा हो कि ना वो हम दे। तनखा दे तू तहरा पता बा एकरा के कितना तनखा हमनी के दी ला जा? हलो के जौन मर्जी, हमरा तो अपना बेटी के चिंता रहल। ठीक भाई तू अब हम चलत है, अपन ध्यान रख। असुना जी जौन दीदिया कहीं है वो सारा काम तू करे जी। ठीक बा ठीक बा। थैंक यू वेरी मच बुआ जी।
आवा, हम तारा के सब काम समझा देते हैं। ठीक बा। शालिनी बेटा, हम रब के माफ कर दिया, कहे कि हम चाह के भी तेरा खातिर कुछ ना कर पाए। आई एम सो सॉरी बेटा, सो सॉरी। मैम और कुछ चाहें? साहेब रुआ कुछ थी? ना ना, हमरा के कुछ ना चाहिए। तो ऐसा करा, यहीं पर रखता आ, तू जाके खाना खा। ठीक बा साहब। उफ, ये ईश्वर भी ना कभी भी हाई क्लास ना बन सकेलन। अच्छा खासा नौकर खाना सर्व करते रहे तो वो ना करे दिलन। इंदु, ये अभी यहाँ बा तो कोनो बात नहीं के। बाकी जब हमनी के एग्जाम खत्म हो जाए तो एक यहाँ से जाए के होगी, और फिर ओकरा बाद हमनी के जैसे पहले काम मैनेज कर लेते रहनी है जा, वैसे कर लेते। और हाँ, अगर तारा कोनो तकलीफ होगी तो कोनो बात नहीं के, तो सब काम हम मैनेज कर। पर ईश्वर, अभी तो दीदिया के डिलीवरी भी होके वाला बा ना। हाँ तो का हो गई, तारा जानकारी खातिर हम ये बता दी कि माई हम दोनों भाई बहन के न खाली जन्म दिली बल्कि पाल पोस के बढ़िया से बढ़ भी। अब उस समय तो कोनो नौकर भी न रहे बल्कि उल्टा माई के दादा दादी के भी जिम्मेदारी रहे। बाकी माई सब कुछ अच्छा से करे। यार इंदु, हमरा के ये बतावा कि तू अपन मॉम से सूट के बारे में बात कर लू है का? कहाँ ईश्वर, मॉम से बात ही ना हो पाई।
हम दो तीन बार फोन ट्राई करने लेकिन मॉम के फोन ही ना मिला। बात हो जाए तो हम पूछ ले। ठीक। ओ गॉड, हम तो भुलाइए गए रानी, ये सूट वाला मामला तो अभी तक उलझल बा। हमरा के जल्दी ही मॉम से बात करे के होगी। देखो ए मेरी जॉन, बादाम, किशमिश, काबुली चना वगैरह बना, ये सब काट दिए, ठीक है? और दूध भी कल से आधा लीटर ही मंगवा। और हाँ, अनाज माने दाल चावल आटा ये सब भी दूध तरह के लाइए, तनी अच्छा क्वालिटी वाला थोड़ा कम लाइए, जो कि सिर्फ हमार अचारा साहेब खातिर बने, और सस्ता क्वालिटी वाला तनी ज़्यादा जी की घर के बाकी लोग खातिर बनी। समझ में आ गई?